देखु जो प्रकार भाव में माननीय मुख्यमंत्री आम दलर सभापति चिठी लिखी सपोर्ट पाई अन्यान्य राजनैतिक दल मान पाखु 22 राजनैतिक दल को भेटापनेक आम डेलीगेशन जाहची सारी सेनेक सुफल मिली अनेक राजनैतिक दल 33% रिजर्वेशन महिला मान पार्लमेंट एवं स्टेट असेंबलीस समर्थन जनई गणमाध्यम आपको प्रसारित कर मोर जानवर आज से प्रकार गोटे डेलीगेशन जा श्री देवगड़ भेटुंट अपरपक्ष भारतीय जनता पार्टी अभी पर्यंत समय देना कथा हो कि भारतीय जनता पार्टी तांकर निर्वाचन इश्तेहार यही प्रकार एक प्रसंग को रखिथिले एवं कहिथिले सरकार को आसने से समर्थन करेंगे आम अभी भी आशा अच्छी कि भारतीय जनता पार्टी आमर डेलीगेशन को समय देवे एवं माननीय मुख्यमंत्री जो दाबीटी रखिछन्ते 33% रिजर्वेशन करा जाऊ एही संक्रांत रे भारत वर्ष रे प्रत्येक राजनैतिक दलर एक समर्थन रहिबो एवं यहाँ को कार्यकारी करा जाय परियो बोली आमर विश्वास रहिछ। किंतु सर गोटे पटे तो समय मिलुनि अन्य पटे केन्द्र मंत्री कहउछन्ते लोकसभा रे संपर्क रे आलोचना हेतला किंतु बीजेडी रो कोनोसी सांसद उपस्थित रहिना नै कथा होची किए कोन कहउछन्ते ना बड़ कथा नुह प्रसंग होची भारत वर्षर प्रत्येक राजनैतिक दल यही आभिमुख्य को समर्थन करिवार आवश्यकता रही है। 33% रिजर्वेशन पार्लमेंट एवं स्टेट असेंबलीस महिला मान हवा दरकार एतले प्रत्येक राजनैतिक दल तांकर आभिमुख्य स्पष्ट करगत दिन में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर इश्तेहार कि समर्थन करेंगे आमर आशा रोच कि जेहेतु समय मगा जा दल तरफ भेटापी से समय भारतीय जनता पार्टी देवे और माननीय मुख्यमंत्री जो डिमांड रही सपोर्ट पाई से सपोर्ट को समय मिल 25 राहुल गांधी आसुच्चे श्री राहुल गांधी कांग्रेस दल 2008-09 70,000 कोटी कृषि ऋण छाड़ कले कृषि ऋण छाड़ करी भारत वर्ष रे चासी मानकर जीवन जीविका प्रभावित हैला कि उन्नत मानर हैला कि हैला नहीं आपणकर जो तीन टी राज्य रही छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश एवं राजस्थान से कृषि ऋण छाड़ करागला परवर्ती समय से राज्य माने कहिले कि से माने आर्थिक देवालिया परिस्थिति को चलीगले जदि आर्थिक देवालिया करिवा पे चाहूचंती श्री राहुल गांधी एवं कांग्रेस दल ओडिशा राज्य को एवं भारत वर्ष को ताले कृषि ऋण छाड़टा बदे गोटे युक्तियुक्त उपस्थापना किंतु कालिया योजना जो प्रकार भाव में आप देखुंती एक विकासमूलक चिंताधारा दि जाइए से चिंताधारा आम आशा करूँ भारत वर्षर प्रत्येक जन चिंता कर गत काली पंचदश अर्थ कमिशन जो प्रकार भाव कालिया योजना को प्रशंसा करछंती यह एक भल योजना एवं इकोनॉमी स्वामीनाथन यहाँ समर्थन जनईंती एथरु गोटे जिनस स्पष्ट जना पड़ी एक व्यापक पैकेज जोटा कालिया योजना द्वारा दि जाऊर ओडिशार चाषी मान को व्यापक लाभ मिले देख कालिया योजना को लेकर प्रत्येक जन गोटे चिंताधारा रखिंट गोटे आभिमुख्य रखिंट कि प्रकार भाव में प्रत्येक जो माने चासी अच्छा बेनिफिशियरी अच्छा पाखे लाभ पहुँची पार जदि कौन जगह व्यतिक्रम रही सरकार निश्चय तत्पर रही ठीक करने ओके सर 15 तारीख आसुचार मोदी अंपटे राज्य सरकार पक्षर कृषक समावेश बीजेपी कहते हैं काउंटर कर आज्ञा भारतीय जनता पार्टी रो नेता माने निर्वाचन जेहेतु पाखौछि आसीबे कांग्रेस दल रो नेता माने मध्यम जेहेतु निर्वाचन पाखौछि आसीबे ताले सेमाने काल तिथि कहि दियंतु कौ समय रे कौ तारीख रे कौ तिथि रे आमे कोनोसी जिंस करि परिबो ओडिसा रे विकास पई एवं कौ तारीख कौ तिथि रे आमे ओडिसा रे विकास रो काम करिबो नाही कारण तांको नेता माने आसुचंती ओडिसा रो विकास एक क्रमागत प्रक्रिया प्रतिदिन ओडिसा रो विकास होउछि एवं सेथि पई जे आमे कालो पात्र समय देखिबु मते लागुछि एटा बदे हास्यास्पद मत भारतीय जनता पार्टी बीजेडी छाड़ करिवनी किंतु कांग्रेस रा राहुल गांधी आसी प्रतिश्रुति देबे जे कांग्रेस सरकार को आसिले कृषि ऋण छाड़ करिवो या बीजू जनता दल पई घुमेरा हबनी ओडिशा रो जनसाधारण देखिछंती की प्रकार भावरे कांग्रेस दल 70,000 कोटी टंका कृषि ऋण छाड़ करिछि से 70,000 कोटी टंका श्री राहुल गांधी दल छाड़ कला परे भारत वर्ष रे कृषक एवं कृषि जो समुदाय रही जीवन जीविका किसी उन्नत मानर है कि हैला नहीं जो बड़ बड़ चाषी मैंने नहीं था कृषि ऋण से लाभदायक है
ଯଦି ସେ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମଧାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେବାଳିଆ ପଣିଆ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତିକା ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଉ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନାହିଁ, ସୂଚନା ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ସେମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଦଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତୁ। କଥା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ହିଁ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନାହିଁ ନା, ତ ଥିଲେ ସିନା ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତିନି, ଅବି ଲଢ଼େଇ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳଙ୍କୁ ଧରିବୁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତ୍ସାହସ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରରେ ଥିଲା। ଗୋଟାଏ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ, 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। 2004-2014 ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ଉପା ସରକାର ଥିଲା, ଉପା ସରକାର ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବିଗତ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ।